सोच रहा हूँ आगे क्या होने वाला है, और जो होने वाला है उसका जो प्रेडिक्शन है वो मैक्सिमम आप परसेंटेज तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो अपडेट देने वाला हूँ वो सटीक है, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं है। जो प्रेडिक्शन है वो भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं जिसको लेके मुझे लग रहा है आप तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए और आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियोस बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को बड़ा व्यक्तिगत रूप से ले लेता हूँ, इवन ऑफिस पे जाके भी उसके सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। कई बार अभी इस बार काउंसलिंग भी 3-4 घंटे दे चुका हूँ। आप लोग देखते भी होंगे कि जितने अपडेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सटीक होते हैं और ऑफिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं अपडेटेड होते हैं। तो अभी ये सेकेंड राउंड कट ऑफ जब कब आएगा ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो बच्चे बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, जिनको अपनी बात रखनी आती है, वो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं चाहता हूं कि जिनको 10-15 लाइनें लिखने आती हैं वो अपनी बात को रखें, कहां पे वीसी के सामने, कहां पे स्टार के सामने, डीआर एकेडमी के सामने, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सामने। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करो। मैं आप लोग मेरे इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी पे जो भी अच्छा लिखना जानते हैं वो मुझे हेलो हाय लिख के भेज दें। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि मल्टीपल कोर्सेज में आपका ट्रांसफर रोका गया है। मैं चाहता हूं कि इसको परमिशन दिया जाए, ये बच्चे ट्रांसफर कर सके, क्योंकि देखो इस पे आगे का एडमिशन रुका टिका हुआ है। टिका ऐसे हुआ है कि अगर ये बच्चे कोर्स ट्रांसफर करते हैं तो नीचे वाले नंबर वाले बच्चों को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, तभी तो अपग्रेड होंगे, तभी तो नीचे वाले ऊपर आएंगे। और कहीं ना कहीं जिनका एफिलेटेड है उनको डीएमसी मिल सकता है, जिनका पेड है उनको रेगुलर मिल सकता है। जैसे ऊपर का बच्चा अगर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकता है दूसरे कोर्सेज में, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर का बच्चा जब इसमें आया तो ये धीरे धीरे एक एक लाइन ऊपर आता है, वन स्टेप ऊपर आएगा। तो प्लीज ये अपने ऊपर आप लोग कि आपका भी फ्यूचर उसी पर डिपेंडेंट है, ये मत सोचो कि कहानी दूसरी है, दूसरे की, आपकी कहानी है। और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूं। आप देखे भी होंगे कि मैंने इस एनालिसिस को यूट्यूब पे सबसे पहले लाके आपके सामने रखा। कोई अभी भी यूट्यूब चैनल आपका सपोर्ट नहीं करेगा, शायद उसको पता ही नहीं क्या सपोर्ट करेगा। मैं चाहूंगा प्लीज आप मेरा वीडियो उस तक पहुंचाइए, इससे पहले वाला वीडियो, कि मल्टीपल कोर्सेज में ये बैरिकेटिंग विदाउट इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ इस एक तरह से क्या है, गड़बड़ी है, छेड़छाड़ है, ना इंसाफी है। तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करें, मेरे से जो भी ईमेल आईडी है इन लोग के ऑफिशियल वो आप ले लें, और मैं आपका आर्टिकल चेक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पे भर भर के आप लोग भेज दो, जिससे कि जो अच्छे कंटेंट है वो भी लॉस चले जाए। तो प्लीज मैं सेलेक्ट करके जो बताऊंगा उन्हीं को भेजना। अब बात आती है कि सेकेंड राउंड कट ऑफ कब आएगा। भाई ऑलरेडी मैं ये जो प्रॉब्लम है ना ईसीएसई के सामने रख चुका हूं, कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको पता चल चुका है कि ये कहीं मतलब या तो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ उनकी गलती है, या तो ये मान लें कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, सही करना चाहिए। तो ऐसे में अभी सेकेंड राउंड कट ऑफ रोकी गई है, ठीक है। सेकेंड राउंड कट ऑफ जो 18 को आने वाली थी या 17 की रात को आने वाली थी, तो अब तो 18 आ चुका है, तो फाइनली ये जो कट ऑफ है अभी रोक दी जा रही है, अभी रुकेगी। मैं फर्दर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि सेकेंड राउंड कब आएगा, लेकिन इसमें पैनिक नहीं होना है। जिन बच्चों के अभी कहीं कोर्स लोकेशन नहीं शो कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज यही है कि आएगा जरूर, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही नहीं, प्लीज अपने माइंड में इस तरीके का, क्योंकि बहुत ही नॉनसेंस आर्टिकल वायरल हो रहा है कि सीटें फुल हो गई, 8,500 पे वेरिफिकेशन हो गया, ये फलाना ढिमकाना। भाई बीएचयू का बहुत सालों का रिकॉर्ड है कि बच्चों को अगर पेमेंट जाता है तो वो पेमेंट करते नहीं है, मतलब परसेंटेज आप नहीं करते हैं, जैसे 100 में 30-40% मैक्सिमम पेमेंट होता है। तो अभी भी जो सीटें मैक्सिमम फुल हुई होंगी ना, अगर ऑन एन एवरेज में हर कोर्स का देखूं तो 40% मैक्सिमम यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और उसमें भी ये मल्टीपल कोर्स अगर ट्रांसफर वाला ये लोग अलाउ कर देते हैं तो ये परसेंटेज और घटेगा, और डीयू में कट ऑफ अगर रिलीज हो जाता है अभी तो ये और घट जाएगा। तो ये 7 राउंड आने की कहानी वो ऐसे नहीं है 7 राउंड आने का। तो प्लीज आप लोग पैनिक मत हो, मेरे वीडियो जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। अगर ये लोग ये वाला जो अपग्रेडेशन मेथड है, जो ट्रांसफर मल्टीपल कोर्स ट्रांसफर का जो एक प्रॉब्लम है, अगर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग इसको वीसी तक ऑफलाइन जाके पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें पूरी हेल्प आपका करने के लिए तैयार हूं, मुझे बस कुछ अच्छे लोग चाहिए जो अपनी बात रखना जानते हैं, कुछ अच्छे बच्चे, और मैं वो पिकआउट कर लूंगा आप लोग के बीच से। बस आप मेरे से जुड़ जाओ, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये काउंसलिंग का कहीं ना कहीं एक लूप है जिसपे हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, हम लोग को इस पर आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे मक्खी भिनभिना रही है ना, इसी तरीके से प्रॉब्लम हमारे पास भिनभिनाता ही रहता है, लेकिन जरूरी ये है कि कुछ छिड़काव करके इसको दूर करो,
तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेरे चैनल से जुड़ जाएं कि फर्दर अपडेट करूं तो आप मेरे आवाज उठाने पर या मैं कोई बात अगर रखूं तो कम से कम आप तक पहुंचे और आप उसमें अपना सहयोग दे सको। तो प्लीज आपसे निवेदन है, बाकी बिल्कुल परेशान मत होना, जैसे ही सेकंड राउंड कट ऑफ आने की थोड़ी भी मुझे सूचना मिलती मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और इस तरीके के जो नॉनसेंस आर्टिकल्स हैं इसको आप इग्नोर मार देना, ठीक है, कि ये पूरी सीटें फूल हो गई है, फलाना ढिमकाना, कई साल बाद फूल हो जाएंगी सीटें, ये तमाम चीजें जो है ये आप लोग एकदम इग्नोर मारो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सीटें अभी फूल हो ही नहीं सकती है, अभी आपको चांस मिलेगा, जैसा मैं आपको बताया था कि कट ऑफ डाउन होगा और वो सच में डाउन होगा। तो प्लीज पैनिक मत होना, इंतजार करना और मेरे वीडियो जरूर देखते रहना, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, मिलता हूं थोड़े समय के बाद।